सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने की नसीहत दे दी। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट क्यों जाने को कहा, याचिका में हेमंत सोरेन की ओर से क्या कहा गया, किस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल कथित लैंड स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से हाईकोर्ट जाने को कहा। इससे पहले रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें गुरुवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब जान लीजिए कि याचिका में कहा क्या गया। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी पर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स की माने तो सोरेन ने याचिका में शीर्ष अदालत से ईडी द्वारा उनके गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है ईडी अधिकारियों ने केंद्र सरकार के निर्देश पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम विपक्षी गठबंधन इंडिया का सक्रिय घटक है। सोरेन की गिरफ्तारी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। 48 साल के सोरेन ने कहा उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए 31 जनवरी को शीर्ष अदालत के सामने याचिका दायर की थी। अनुरोध किया था कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक इंतजार करना चाहिए। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया। उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी की कार्रवाई का मकसद उनकी चुनी हुई सरकार को गिराना था, जबकि उनके पास पर्याप्त बहुमत है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 घंटे की पूछताछ के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। इससे पहले सोरेन को ईडी की हिरासत में राज्यपाल से मिलकर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ईडी का दावा था रांची में सोरेन के पास 8.5 एकड़ भूखंड है। इस बीच ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि सोरेन के पास रांची में एक दूसरे से सटे 12 भूखंड है, जिनका माप कुल 8.5 एकड़ है। इन पर सोरेन का अवैध कब्जा है, वो उनका उपयोग करते हैं और उन्होंने ये जानकारी छिपाकर भी रखी थी। एजेंसी ने कहा ये भूखंड मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत अपराध की आय है। राज्य सरकार के कर्मचारी और राजस्व विभाग में सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ राज्य के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी में संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। इससे पता चला प्रसाद अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्तियों को अवैध रूप से हासिल करने की साजिश में शामिल था। इसमें हेमंत सोरेन द्वारा हासिल की गई संपत्तियां भी शामिल हैं। प्रसाद के मोबाइल फोन में भी इसके विवरण मिले थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।